हाँ जी, तो अल्लाह के सब्र और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मैं हूँ आपका दोस्त भाई मोहम्मद अहमद। तो मेरे चैनल का नाम है जी वीले लाइफ व्लॉग्स, मतलब किसान की ज़िंदगी। यार आम जुबान में मैं किसानों के बारे में आपको बताऊँगा, जल्द बताऊँगा। ये देखिए यार, ये पता नहीं मेरी दिक्कत की बात है। तो दोस्त को ले लिया साथ, अभी दिखाया मैंने आपको, ये भी दोस्त है मेरा। तो वहाँ पर खाने को तो कुछ मिलना नहीं है अभी। मैंने कहा हल्का फुल्का था भाई, दोपहर का खाना खा लेते हैं इधर से ही, दिखाते हैं और आपको गुमनपुर का बाजार भी। अभी गाँव मैं बता रहा था, मैंने व्लॉग भी अपलोड किया है इनका। अभी ये घोंसला बना रही हैं और अभी इसी इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। तो मैं सोच रहा हूँ बारिश वगैरह आई हुई है तो आज आपको दिखाता हूँ अपना इलाका। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ आज आपको इंडियन बॉर्डर पे लेके चलता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की सरहद जीरो लाइन पे लेके चलता हूँ। अभी मैंने एक दोस्त को कॉल किया, तो मोटर तो चलानी नहीं है आज क्यों, बारिश आई हुई है। तो अभी आपका भाई चलता है घर, कपड़े शपड़े चेंज करता है और दोस्त को कॉल किया, उसको भी साथ लेते हैं और चलते हैं इंशाल्लाह। आज आपको दिखाते हैं दरियाए सतलुज और जीरो लाइन, जीरो लाइन पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो दिखाते हैं इंशाल्लाह आज आपको, और सारी वीडियो सारे तस्वीर की आपको इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा मैं लाइव दिखाऊँ। हाँ जी, तो आपके भाई ना आके बिल्कुल तैयार श्यार हो गया, तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह कंगनपुर में। पहले चलते हैं वहाँ से दोस्त को लेना है, उसको साथ लेके चलना है। आज ना व्लॉग थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाएंगे, तो मैं निकल पड़ा हूँ इधर गांव से, अभी चलते हैं कंगनपुर में। मोटरसाइकिल मैंने चेंज की है, मेरे वाली भाई 70 है, छोटी पुरानी छकड़ा, वो रेत में काम नहीं देनी थी बाइक की, मोटरसाइकिल पकड़ी है 125, ये अच्छा काम देगी। तो अभी इंशाल्लाह जी चलते हैं, फिर पहले कंगनपुर चलते हैं, वहाँ से दोस्त को साथ लेते हैं। तो दोस्त को ले लिया साथ, अभी दिखाया मैंने आपको, ये भी दोस्त है मेरा। तो वहाँ पे खाने को तो कुछ मिलना नहीं है अभी। मैंने कहा हल्का फुल्का था भाई, दोपहर का खाना खा लेते हैं इधर से ही, तो फिर चलते हैं। ये अपने नाटी की ली है जी, देखें जी पानी आ रहा है, हल्का सा खाना खाते हैं और चलते हैं। तो भाई खाली रेत ही हो रही है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा उन्हें। तो खाना शाना खा लिया, अभी चलते हैं दिखाते हैं और आपको गुमनपुर का बाजार भी।
पहुंच गए जी हम दरियाए सतलुज पे। ये सारा पंजाब का ना, मतलब कि पंजाब में पांच दरिया है और पंजाब का सबसे बड़ा जो दरिया वो ये है दरियाए सतलुज। अभी देखिए इधर आवाम ने जो ज़मीनें वगैरह हैं ना भाई वो बना ली हैं, पहले मतलब दरिया चलता ही नहीं है, ख़त्म हो गई कहानी दरिया की। ये देखें अभी साथ ही ये ना बोर कर रहे हैं इसी ट्यूबवेल का, तो अभी आपको लेके चलते हैं, अभी आपको आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह, जीरो लाइन से लेके चलेंगे और सारी दरिया की शूटिंग भी करते हैं साथ। जी तो पहले थे हम मतलब के थोड़ा सा दूर थे, अभी आ गए हैं जहाँ पे दरिया का पानी चल रहा है। देखें ये पानी चल रहा है दरिया का, ये जा रहा दरिया के ऊपर हम पहुंच गए हैं, दिखा रहे हैं आपको वो देखे बर्ड्स वगैरह भी। तो ये जी ये जो बंद बड़ा हुआ है ना इसके दरिया के ऊपर, ये पत्थरों का बंद, माजिद भाई थोड़ा सा नीचे आके दिखाएं, नजर आना चाहिए। तो ये जो भाई बनाया हुआ पत्थरों का तकरीबन ये 20 से 25 फुट ये ऊंचा है, मतलब के इतना बड़ा है। तो ये बनाया गया था आज से तकरीबन 25 साल पहले, बनाया इसलिए गया था क्योंकि भाई तब पानी बहुत ज़्यादा था, तब तो मतलब नज़र जाती थी पानी पानी होता था। अभी तो वो इंडिया की मेहरबानी है, मेहरबानी क्या है तंगी किया उन्होंने भाई, उन्होंने सारे डैम बना लिए, अभी तो पानी आता ही नहीं है, तकरीबन सूख चुका है। तो ये बंद उन्होंने तब बनाए थे कि पानी देहात में ना जाए, ये उस वक्त के बने हुए हैं, आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले के बने हुए हैं ये बंद। हाँ जी तो अभी आ गए हम बिल्कुल दरिया के अंदर, दरिया के पेड़ के अंदर जहाँ से कभी पानी चलता था लेकिन अभी नहीं चलता, बारिश से भाई बुरा हाल हुआ पड़ा है रस्ते का। ये देखे
हाँ जी, तो पहुंच गए हम, मतलब के अभी बिल्कुल जो ये दो जगहों से चल रहा है दरिया, अभी एक पीछे हम छोड़ के आए हैं, दूसरा ये बाकी जो मतलब के अंदर से जो गुजर के आए हैं, सारा इसका पेट था, कभी ये सारा चलता था, ये जो पीछे दिखा रहे हैं आपको ये सारा इसका पेट है, तो कभी ये सारा पानी पानी होता था, लेकिन अभी ब्राय नाम ही पानी रह गया, देख रहे हैं ये चल रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी वो बेड़ा आता है इधर, इंशाल्लाह उस पर बैठ के हम चलते हैं पार, और फिर आप दिखाते हैं जीरो लाइन काले का थोड़ा गया ना ये कहीं फिर था दूसरे का दोस्त। बारी आ गई हमारी, अभी उधर जाने की साइड पे भाई आ रहा है लेके मोटरसाइकिल के साथ वाला, चलते हैं साइड पे। भाई बेड़ा हो गया थोड़ा सा ऊंचा, मतलब कि बाइक नहीं चलनी तो इसलिए ये ना अभी रेट डाल दिए।
वाला भाई लेके जा रहा है किराए के साथ, और जो दूसरा भाई है वो आगे से कोई मतलब से वो कई होती है कई के साथ आगे जा रहा है। फंस गया जी।